वेलकम टू माय चैनल, मैं हिमंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ दही वाली हरी मिर्च की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक साइड डिश होती है जो कि हमारे सिंपल से सिंपल खाने को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। दही वाली हरी मिर्च बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्च लिया है जिसे कि मैंने बीच से कट कर दिया है, ये देखिए। तो अब हम बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम एक चम्मच बेसन डालेंगे। इसे हमें सूखा ही भूनना है। इसे भूनने के लिए हमें तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम इसे भून लेते हैं। बेसन को आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हल्का सा सौटे करके डालेंगे तो फिर जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे हल्का भून रही हूँ। हमें हल्का भूनना है, इसे बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, बेसन को हमने हल्का सा भून लिया है और इसमें से हल्की हल्की सी सुगंध आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे हटा लेते हैं कढ़ाई में से और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने देते हैं। अब हम डालेंगे जीरा, कलौंजी और पीली सरसों के दाने। अब हम इसमें कटे हुए मिर्ची को डाल देंगे। अब हमें इसे भून लेना है। तेल बिल्कुल गर्म था इसलिए हमारे जो जीरा वगैरह हैं वो अच्छे से भून चुके हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो अब हम मिर्ची को हल्का सा भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर और अब हम नमक के साथ इसे हल्का सा भून लेंगे। मिर्ची फ्राई जो होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और आप इसे किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ। ये एक साइड डिश है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मिर्ची जो हमारा है वो आप देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर, यहाँ पे सौंफ को मैंने कूट लिया है, धनिया पाउडर और अब लगभग 1 से 2 सेकेंड हम इसे पका लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आमचूर का पाउडर। आमचूर पाउडर ऑप्शनल है क्योंकि हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आमचूर पाउडर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा खट्टा पसंद करती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर को ऐड किया है। सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपने भुने हुए बेसन को और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को अब बिल्कुल लो कर लीजिए क्योंकि अब हमें इसमें दही ऐड करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे दही को ऐड कीजिएगा तो फिर आपका जो दही है वो फट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लिया है। अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें हल्का सा पानी डाल रहे हैं और अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही को। तो यहाँ पे दही को बिल्कुल अच्छे से फेंट लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से फेंट लिया है इसे। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो दही है वो फटेगी नहीं। इसमें हल्का सा पानी हम और ऐड करेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। चूंकि हरी मिर्च तीखी होती है इसलिए यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हम हल्का सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा है। कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, लगभग आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है। इसी के साथ 1/4 गरम मसाला भी हम डाल देते हैं और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी जो दही है बिल्कुल नहीं फटी है। बस आप 2 सावधानी बरतिए, या दही को अच्छे से फेंट लीजिए और जिसमें दही डालिए उसमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए तो फिर आपकी जो दही है वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो इसी के साथ हमारी जो मिर्ची है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो दही वाली मिर्च हमारी रेडी हो चुकी है जो कि आपके हर
खाने को लाजवाब बना देगी, चटपटा बना देगी। तो एक बार इस रेसिपी को बना करके आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी दही वाली हरी मिर्च बनकर के रेडी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।